हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे एकदम आसान कम मसाले में बनने वाले झटपट तैयार हो जाने वाले बैंगन की भाजी। एकदम चटपटा डिलीशियस खाने में लगेगा फ्रेंड, ये दाल चावल के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस सब्जी का खास बात यह है फ्रेंड, हम इस सब्जी में ना ही लहसुन प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ना अदरक, ना ही टमाटर। टमाटर अभी बहुत महंगे चल रहे हैं, तो आप इस तरीके से झटपट इस रेसिपी को बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो हम दो बड़े साइज के बैंगन लिए थे, तो उसको हम गोल गोल मोटे मोटे पीसेस में काट लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के पीस काटे हैं, पानी से अच्छी तरह से धो लिए हैं। बैंगन को जब भी काटे तो पानी में रखें फ्रेंड, ताकि बैंगन काला ना पड़े। तो हम पानी से अच्छी तरह से धोकर छानकर निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं पीस कितने मोटे हैं, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही पतला। इसमें हम 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे, आप चना का सत्तू भी डाल सकते हैं। यह भुने हुए चना का भुज्जा को पीसकर छिलका उतारकर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1-2 चम्मच तेल डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही मिला देंगे ताकि बैंगन में अच्छी तरह से सारे मसाले का कोटिंग हो जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छी तरह से बैंगन में बेसन मसाले सभी अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो इस सब्जी को हम तवा पे बनाएंगे, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तवा पे आसान होता है। तो हम 1 चम्मच तेल डाले हैं और ये बहुत कम तेल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ब्रश की सहायता से फैला देते हैं चारों तरफ इस तरीके से, और तवा को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे फ्रेंड, तभी डालना है। तो तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब हम इसको एक एक करके जितना स्पेस है उतना बैंगन के पीसेस डाल देंगे इस तरीके से, और गैस को लो फ्लेम में कर देंगे। अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक पकने देंगे बैंगन को, सारे बैंगन को डालकर तवा पे जितना स्पेस है उतना बैंगन डाल देंगे एक साथ। तो गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे, तभी हमारे बैंगन एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो 2-3 मिनट हो गया है फ्रेंड, तो अब हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आ रहे हैं हमारे बैंगन की सब्जी में। ये सब्जी दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आप इसको रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, अलटते पलटते हुए हम बैंगन को 4 से 5 मिनट पका लिए हैं दोनों साइड से। तो बैंगन हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है, एकदम चटपटा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो हम अब प्लेट में निकाल लेते हैं कलछी की सहायता से। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बैंगन की भाजी बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे बैंगन को निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी के बचे हुए बैंगन को भी पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम इतना बैंगन निकाल लिए हैं। एक थोड़ा सा कच्चा लग रहा था तो उसको बीच में रख दिए हैं, और बाकी बचे हुए बैंगन को डाल देंगे और अलटते पलटते हुए उसी तरीके से हम इसको भी पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक। ये बैंगन बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है 4-5 मिनट में, और एकदम स्वादिष्ट बनता है। तो ऊपर से हल्का हल्का तेल डाल देंगे 1 चम्मच,
किनारे से, तो इसको भी अलटते पलटते हुए हम पका लिए हैं, निकाल लिए हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं सारे बैंगन की भाजी बनकर तैयार हो गया है, एकदम बिना लहसुन प्याज के डिलीशियस बैंगन की सब्जी तैयार है दाल चावल के साथ खाने के लिए। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड आपको ये बैंगन की भाजी की रेसिपी पसंद आया होगा, एकदम आसान तरीका। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।